अस्सलाम वालेकुम। कल सैटरडे था, बहुत ज़्यादा ज़ालाबारी हुई, ओले पड़े, बर्फ़ानी बारिशें हुई और जिसकी वजह से काफ़ी फसलों को नुकसान भी पहुंचा है। नुकसान ये हुआ है कि जो चावल की फसल है, मूंगी की फसल है, वो लेट गई है ज़मीन के साथ और जिसकी वजह से अब इसकी ग्रोथ भी कम होगी, तो उसके बाद जब इसको काटना है तब भी मुश्किल पेश आती है जी। और इसके साथ साथ जो चावल की क्वालिटी है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है इसका। तो आज भी मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा इस वक्त जो सर्दी है, ठंडी हवाएं यहाँ पे चल रही हैं और सुबह सुबह का मौसम है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आसमान है, बादल आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत आसमान है जी इस वक्त। तो आगे जाके वो फसल भी आपको बताते हैं जो कि ज़मीन के साथ बिल्कुल लेट गई है जी। तो काफ़ी दरख्तों को भी नुकसान पहुंचा है जी, बहुत से दरख्त उनकी शाखें टूट गई हैं, कुछ जड़ से उखड़ गए हैं। ये देखें किस तरह ये चावल की फसल, क्योंकि अब ये बिल्कुल पकने के तैयार है और चावल भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी क्वालिटी के थे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा, अल्लाह से दुआ भी है, क्योंकि ये किसानों का जो पीक टाइम होता है, क्योंकि वो सारा साल मेहनत करते हैं और फिर आहार पर आके वो ये फल मिलना होता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसमें हमारे लिए बेहतरियां और आसानियां पैदा फरमाए। अभी भी आसमान पर काफ़ी गहरे और काले स्याह बादल हैं जी, और महकमा मौसमियात में के मुताबिक अभी बारिश के अम्कान है मज़ीद। ये देखें नाज़रीन, ये किस तरह ये ज़मीन के साथ बिल्कुल फ्लैट हो गई है ये चावल की फसल। तो इसकी कम से कम जो हाइट है मूंगी की चावल की फसल की, तकरीबन 5 फीट इसकी हाइट है, 4.5 से 5 फीट, और ये अब बिल्कुल ज़मीन के साथ फ्लैट हो गई है। ज़्यादाबारी और तेज़ हवाओं की वजह से ये सिचुएशन है जी फसलों की। आपको इसका पौधा उठा